मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में हिंसा के बाद प्रदर्शन अभी रुका ही नहीं था कि दीपिका पादुकोण ने कैंपस में पहुंचकर एक बार फिर से हलचल को तेज कर दिया। जहां एक ओर सोशल मीडिया में दीपिका पादुकोण की काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है, वहीं दूसरी ओर दीपिका पादुकोण के विरोध में भी काफी तेज आवाज उठ रही है। आज जनवरी को JNU कैंपस में छात्रों के ऊपर हुई हिंसा के बाद एक बार फिर क्रांति की लहर देश में दौड़ने लगी है। बीते कुछ दिन BJP के लिए एक कैंसर से कम नहीं थे। सोशल मीडिया में दीपिका के इस कदम को लेकर काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां एक ओर आई सपोर्ट दीपिका ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बायकॉट छपाक भी ट्रेंड कर रहा है। इस विवाद में नेताओं से लेकर बॉलीवुड स्टार भी अब घुस चुके हैं। आपको बता दें कि इसी हफ्ते 10 जनवरी को दीपिका की फिल्म छपाक रिलीज हो रही है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से लोग दीपिका को बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था। वहीं दूसरी तरफ लोग दीपिका की बड़ाई करने से भी थक नहीं रहे हैं। मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने दीपिका के इस कदम की सराहना करते हुए लोगों से दीपिका की आने वाली फिल्म छपाक देखकर JNU हिंसा के खिलाफ अपना समर्थन देने की अपील की है। वहीं JNU छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार ने दीपिका का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है कि हो सकता है आज आपको ट्रोल का सामना करना पड़े, लेकिन आपके साहस के लिए आपको इतिहास याद रखेगा। दीपिका के इस कदम को जहां एक ओर समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ दीपिका को BJP और BJP के प्रवक्ताओं ने जमकर घेरा। दीपिका के इस कदम को लेकर लोगों से और बॉलीवुड से भी अपील की जा रही है कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर करें। उमर खालिद जो JNU में छात्र नेता रह चुके, उन्होंने खान लॉबी पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो बोलो, अब अपना जमीन जगा लो और अब खुलकर अपना स्टैंड क्लियर करो। वैसे ये तो रहा पूरा विवाद जो दीपिका पादुकोण को लेकर कल से चल रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या दीपिका पादुकोण की मूवीज सिर्फ लेफ्ट के लोग देखते थे, और बाकी जितने भी लोग हैं क्या वो सभी के सभी विश्वामित्र थे? आप सोचिएगा और अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।